और देखिए, ठीक है बेटा, यहां से देखिए मैंने क्या किया बेटा, यहां से एक करंट चलाया, करंट ये रेसिस्टर, दो रेसिस्टर यहां से निकल, ठीक है, बस ला रही है। मान लो ये R ओम है, ये 2R ओम है, सॉरी 2R ओम है, क्या ये, और 2R, ये 6 ओम है। यहां से करंट चल रहा था, यहां से करंट चल रहा था, सपोज करो 8 एम्पियर, कितना चल रहा था 8 एम्पियर, क्या वो तीनों में जाएगा? हाँ जाएगा। मैंने देखा, मैंने बोला कि भाई इसमें 5 एम्पियर गया, कितना गया? तो उसने पूछा बताओ R की वैल्यू क्या होगी, उसने पूछा R की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल सुने आप। अब R की वैल्यू सोचो जरा, 5 एम्पियर रह गया है, कुछ करंट यहां जाएगा कुछ यहां जाएगा, तो ऐसा करने के लिए हम कर सकते हैं एक बात कि यह 5 एम्पियर है तो 3 एम्पियर जो करंट बचा वो इन दोनों में जाएगा, तो ये दोनों क्या पैरेलल है, तो इनको सॉल्व कर लो पैरेलल को पहले। कैसे पैरेलल कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इसका पैरेलल निकाल रहा हूं बेटा, जैसे 1/R = 1/R1 + 1/R2, तो मैं सीधे याद कर लो, जब दो का पैरेलल निकालना हो तो R पैरेलल का फॉर्मूला याद कर लो, R1 R2 / R1 + R2, सीधे सीधे डाल दोगे ये R पैरेलल आ जाएगा दो रेसिस्टर के बीच में, ठीक है। तो R1 R2, ये R पैरेलल निकाल रहा हूं बेटा, R1 R2 2R × R / R2 2R + R, तो जाएगा बेटा 2R² / 3R, R ने R को 2/3R, इसका नया डायग्राम बन के आएगा 8 एम्पियर, ठीक है, इन दोनों का आया 2/3R, 2R/3 ओम, और ये कितना है 6 ओम, और यहां पर ये समझ में आ गया बेटा आपको, ओके, इसमें 5 ओम करंट जा रहा है, 5 एम्पियर, तो इसमें 3 एम्पियर जाएगा भाई, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, 8 एम्पियर था, 5 ये था, 3 इन दोनों में गया, इन दोनों का पैरेलल जब सॉल्व किया तो सीरीज बन गया वो, तो मुझे पता है कि इसका वोल्टेज ड्रॉप बराबर इसके वोल्टेज ड्रॉप के बराबर कर देंगे बस, तो I × R 15 5 × 6 = I × R 3 × 2R/3 3 × 3 को मार दिया 2 × 3 = 6 और R = 15 ओम, आराम से कॉपी कर लेंगे, ठीक है, बात समझ आ रही है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। फिर देखते हैं मेरा रिश्ता आ गया, मैंने फिर अब किया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए आपसे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम आपको, बहुत मेथड बताऊंगा मैं आपको, अभी तो बहुत बिगनिंग है, ये न्यूमेरिकल की बिगनिंग है, मेरे सारे इजी न्यूमेरिकल पहले सारे करे हैं, सारे करके देखा करो बेटा कैसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद आपको जो टफ न्यूमेरिकल कराऊंगा, कंडीशन के न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, जितने कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, मैं ट्राई कराऊंगा कि मैक्सिमम मैं आपको करा सकूं, जिससे आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, आप आराम से घर पर बैठे सुकून से पढ़ाई करें और एंजॉय करें, ठीक है। तो देखिए आप जरा, मैंने और एक क्वेश्चन बोला, सिंपल सी बात मैंने बोली बेटे, सपोज करो ये दो हो, मैंने मान दिया ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है बेटा हल्के हल्के, ये भी 2 ओम है, यहां पर एक बैटरी लगा दी, ये भी 2 ओम है, ठीक है, बात समझ आ रही है। मैंने बोला कि यहां पर मान लिया 2 वोल्ट की बैटरी दी, कितने की 2 वोल्ट, मैंने बोला भाई करंट बताओ, बहुत आसान से बता दो करंट, आप बोलो बहुत सिंपल है सर, करंट तो मैं आराम से निकाल सकता हूं, कैसे, ये 2 × 2 = 1 पहले है ना, 2 × 2 = 1 देख लो, 2 × 2 / 2 + 2 / 4 = 1, ये कितना आ गया, 1 आ गया, 1 और 2 दोनों फिर पहले, इन दोनों का सम 1, 1 और 2, फिर ये इनका सम कितना आ गया, 1 बनाया ही, और 1 और 2 फिर पहले हो गए, तो 1 × 2 / 1 + 2 यानी कि 2/3 कितना आ गया, 2/3, ये टोटल इनका रेजिस्टेंस है 2/3, और ये सेल के साथ कनेक्ट है, और सेल के साथ जो भी रेजिस्टर लगा होता है वो सीरीज माना जाता है, क्या माना जाता है, सीरीज, तो ये सारे पैरेलल होने के बाद एक वायर बन जाएगा, यानी कि इसकी पोजीशन ऐसे बन जाएगी, सिंपल सी बात, ऐसे बन के आएगी, ये हो जाएगी 2/3, कितने हो जाएगी बेटा 2/3 ओम, और ये मेरी 2 है,
तो ये क्या सीरीज हो गए, तो इसे ऐड कर देंगे तो ये आई हो जाएगा वी अपॉन आर। वी कितना है? टू है। ठीक है बेटा, क्या है वी मुझे बताओ बेटा, ये कितना है? टू है। तो आई क्या होता है? वी अपॉन आर होता है बेटा। कैसे निकालेंगे वी अपॉन आर? तो वी तो मेरा टू है, आर कितना हो जाएगा? ये सीरीज हो गए क्या? टू प्लस टू बाई थ्री, ये थ्री टू सिक्स, एट बाई थ्री, तो यहाँ आ जाएगा एट बाई थ्री। ठीक है, ये हो जाएगा सिक्स बाई एट, ये हो जाएगा कितना? थ्री बाई फोर। कितना बेटा बोलो बेटा? थ्री बाई फोर आएगा ना, पक्की बात, कोई गलती तो नहीं करती? बोलो बेटा, कोई गलती कर दी क्या? देख लो, ये टू टू वन हो गया, ठीक है, टू टू वन हो गया, और वन और टू हो गया, वन और टू हो गया टू बाई थ्री। ये टू बाई थ्री के साथ टू जोड़ दिया मैंने टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो कितना आया बेटा? एट बाई थ्री आ गया। ठीक है, कितना आ गया? एट बाई थ्री, थ्री जीरो सिक्स, एट बाई थ्री आ गया। आई होता है वी अपॉन आर, वी कितने वोल्ट है? टू वोल्ट है। आर लिखेंगे तो एट बाई थ्री पड़ा, सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। कितना आ जाएगा? एम्पियर, सॉरी एम्पियर। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही क्या? चलिए, यह क्वेश्चन में आ जाएगा बेटा। बोलो बेटा आई कितना आ गया इसमें? बोलो बेटा आई इज इक्वल टू वॉट? ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब मैं और आगे चलता हूँ, एक नया क्वेश्चन देखता हूँ, ये मैं सिर्फ कर रहा हूँ बेटा। मान लो इसी क्वेश्चन में मैं फिर और थोड़ा चेंज करता हूँ, अभी थोड़ा बेसिक देखते जाए आप लोग। फिर लगाया मैंने, अभी मैंने तीन रेसिस्टर लगाए थे, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, बैटरी 2 ओम। ठीक है, ये 2 वोल्ट, फिर इन्हें करंट पूछा, करंट क्या होगा, व्हाट इज द करंट? तो सुने बेटा ध्यान से, यह वह लीड है। क्या है लीड? बेसिकली लीड में हम रेजिस्टेंस जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। सोचो जरा, अगर लीड जीरो है, लीड का रेजिस्टेंस जीरो है, ध्यान से सुनना बेटा आपको, लीड का रेजिस्टेंस क्या मानते हैं? जीरो। हमेशा हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो रेजिस्टेंस के अंदर होता है, तो लीड में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। मैंने बताया था शुरू मेरे लेक्चर्स में है, आप पढ़ के देखना, पीछे वाले प्रीवियस लेक्चर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी बातें, ऐसा क्यों होता है। है तो मैंने जब यहाँ डाला तो ये मेरा इसका रेजिस्टेंस जीरो मान लूँ और ये टू है, दोनों पैरेलल हो गए। जब मैं वन अपॉन जीरो प्लस वन अपॉन टू करूंगा और पैरेलल जोड़ूंगा तो ये इसकी वैल्यू दोनों भी जीरो आएगी। क्या आएगी? जीरो। फिर जीरो फिर टू के साथ फिर पैरेलल जोड़ेगा, फिर जीरो आएगी, फिर ये इसके साथ जोड़ेगा, फिर जीरो आएगी, तो ये सारे जीरो हो गए। क्या हो गए? तो यानी कि इसमें मैं बोल सकता हूँ इनके साथ मेरा कोई भी नाता नहीं है। करंट कहेगा भैया मैं तो बाईपास कर जाऊंगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि इनकी तो कोई वैल्यू नहीं, सब जीरो हो गए, पैरेलल डाल देंगे। तो इसमें बेटा तो आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू अपॉन वी अपॉन आर, वन एम्पियर। तो अगर कहीं लीड लगी होती है बेटा तो करंट बाईपास कर जाता है, बाईपास के ऊपर जाता है, शॉर्ट सर्किट भी बोल देते हैं। तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया ना, सेम लीड है ना, तो सेम लीड पे ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम है। ठीक है भाई, समझ में आ रही है? तो इनके बीच में तो करंट जाना ही नहीं चाहिए था, सेम वोल्टेज है ना, सेम वोल्टेज में करंट तो जाएगा नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि या मैं बोल सकता हूँ इसका रेजिस्टेंस अगर जीरो मान लूं तो ये सब क्या हो जाएंगे? जीरो। हमारा एक डॉगी भी है, रिस्की नाम है इसका, ये मेरे वन एम्पियर आ गया, आपको सुनना आ गया होगा। इसके बाद में फिर और आगे चलता हूँ, मैंने ये इसे भी रख कर दिया बेटा, ठीक है, इसे भी मैंने रख कर दिया, बहुत सुनना आ रही है। आप सुनो, मैं छोटा सा क्वेश्चन और देता हूँ। मान लिया मैंने एक 2.5 ओम का रेसिस्टर यहां लगा दिया और एक मैंने सेल यहां लगा दिया, इसके साथ भी रेजिस्टेंस लगा दिया बेटा। ठीक है, बल्कि ऐसा करते हैं यहां पर भी एक रेजिस्टेंस लगा देते, चलो ऐसे कर देते, ठीक है, देखते जाए हम लोग। ओके, अब मैं बोलता हूं बेटा, सपोज करो ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 5 ओम और ये 5 ओम, चले ठीक है, ठीक है, पसंद मारिए, करंट कुछ ऐसे ऐसे चल के ये आगे जा रहा है। अब मैंने बोला इसमें हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है। क्या भैया? करंट कितना जाएगा? करंट कितना जाएगा?
करंट कितना जाएगा तो देखिए आप जरा, देखिए करंट कैसे निकालेंगे बेटा। करंट निकालने के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये दोनों देखो जरा सेम पोटेंशियल है, ठीक है, क्या ये, ये क्या है बेटा सेम पोटेंशियल। तो बोल सकता हूं भैया I इज इक्वल टू हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है ना, तो V क्या होगा इसका, दोनों का V तो सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल है, तो V तो 10 रहेगा। अपन R की बात कर रहे हैं, ये दोनों पैरेलल रेसिस्टर है बेटा, कितने हैं तो 5 और 5 को पहले जोड़ूंगा, 5 5 कितने होते हैं 2.5, देख लो ना 5 into 5 upon 5 plus 5 25 by 10 कितना आ गया 2.5, ये 2.5 इसके साथ सीरीज हो जाएगा तो 2.5 plus 2.5 बोले तो कितना 10 upon 5 बोले तो 2 एम्पीयर करंट इस बैटरी से 2 एम्पीयर करंट चलेगा, समझ आ गई बेटा, बहुत बढ़िया बात है। फिर मैंने एक रब किया, मैं फिर थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, इसे रब करता हूँ बेटा, मैं थोड़ा मैं तेज कर रहा हूँ क्योंकि इजी न्यूमेरिकल्स हैं, आप इसको बैटरी इस, मतलब जब मेरे लेक्चर देखे तो इजीली एक बार दो तीन बार करके देख ले, ठीक है। अब और आगे चलते हैं हम, मान लिया मैंने बोला यहाँ पर एक 1 ओम का रेसिस्टर है, कितने का 1 ओम का रेसिस्टर है बेटा, यहाँ पर मैंने एक सेल लगा दिया, ठीक है बोलो बेटा, और एक मैंने यहाँ पर भी सेल लगा दिया, ठीक है चलो ऐसा कर लेते हैं ना, प्लस प्लस, ठीक है ओके, ये मैंने 1 ओम का रेसिस्टर लगा दिया, इनके सेल की कुछ वोल्टेज भी देता हूँ मान लो, ठीक है, ये मैंने मान लिया 30 वोल्ट का, इसे मैंने मान लिया 10 वोल्ट का, ठीक है, इसका रेसिस्टर मैंने मान लिया, इसमें कोई रेजिस्टेंस होगी बेटा, होगी कि नहीं होगी, मैंने मान लिया 3 ओम है और इसमें रेजिस्टेंस 1 ओम ये रेडी मैंने दी, तो यहां पे भी कोई रेजिस्टेंस दे देता हूं, मैंने मान लिया इसमें रेजिस्टर 3 और 1 4 और 5 1 ओम की रेजिस्टेंस यहां मान ली, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मैंने क्या करा बेटा, अच्छा जी बहुत बढ़िया बात है। अब मैंने पूछा ये स्विच S1 है, ये स्विच S1 है, चलो ऐसे लिख दे रहा हूं, और ये स्विच S2 है, मैंने पूछा S1 और S2 के अक्रॉस कितना PD आएगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, सही है, तो देखो जरा ध्यान से बेटा, देखने की बात तो ये है, 3 20 इसे और कम कर दो, इसे 5 वोल्ट मान लिया, कितना 5 वोल्ट, सही है, कुछ भी मान सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो ये बात सुनिए ध्यान से, देखें तो करंट इसमें यहां से चलेगा, करंट कहां चलेगा, यहां से चलेगा, तो अब सुनिए आप इस बाले को बाहर निकाल लो और यहां ये कराएगा डिस्चार्जिंग ऑफ एसर, और ये कराएगा चार्जिंग ऑफ एसर, चार्जिंग ऑफ सेल, ठीक है, तो मैं इसको निकालता हूं, मैंने बताया था ना S1 कैसे निकालेंगे, याद करो इसको मैंने तरीका बताया था पीछे, अगर बैटरी में करंट बाहर निकल रहा है तो इसके अक्रॉस S1 में V जो होगा S1 में होगा E माइनस आई आर, E कितना है 30, कितना, पहले काम करो करंट निकाल दो, करंट कैसे निकलेगा देखिए, 30 वोल्ट माइनस का 5 वोल्ट तो बचेगा 25 वोल्ट, कितना बचेगा V नेट जो होगा V आएगा 25 वोल्ट, और R कितना होगा, R टोटल देख लीजिए 3 और 1 4 और 5 5 ओम, तो I कितना बनेगा इसमें, I बनेगा बेटा कितना V upon R 25 upon 5 5 5 जा 25 एम्पियर, तो 5 एम्पियर करंट चला, तो यहां चलेगा 5 एम्पियर करंट, ठीक है 5 एम्पियर करंट चल गया, देख लीजिए मैंने क्या किया, इन दोनों को नेट वोल्टेज निकाल लिया और टोटल रेजिस्टेंस करंट निकाल लिया, पूरे सर्किट में करंट कितना चल रहा है 5 एम्पियर। अब देखिए अक्रॉस V1 निकालना ना, V अक्रॉस S1, चलिए E माइनस आई आर, E कितना है 30, मान से I कितना है I 5 है, R कितना है 3 है, कितना बचेगा 30 माइनस का 15 बराबर 15 वोल्ट, इसके अक्रॉस 15 वोल्ट, इसमें चार्जिंग कैसे देखो जरा, मैंने बताया था आपको पीछे मेरे लेक्चर में देखेंगे तब कॉन्सेप्ट समझ आ रही है, तो V S2 देखें जरा क्या होगा, E प्लस आई आर, E प्लस आई आर, E कितना, E है मेरा 5 वोल्ट, प्लस I कितना 5 इंटू R कितना है इसका 1, या बेटा 5 प्लस 5 बराबर 10 वोल्ट, इसके अक्रॉस 10 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस
कितना होगा 15 वोल्ट। ये हमारे क्या होंगे इस स्विचेस के, मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस होंगे। आराम से आप कॉपी कर लीजिए, बिल्कुल आराम से कॉपी करें आप लोग। मैंने इसे रख कर दिया बेटा, फिर और देखिए नेक्स्ट मेरे पास। सुनिए मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर 5 ओम का रेजिस्टर ले लिया, सपोज कर 5 ओम का ले लिया। मैंने इसके साथ इस बार कैपेसिटर लगा दिया, क्या लगा दिया कैपेसिटर, मान लिया वो 5 ओम डाल दिया, तो मान लिया मैंने 3 माइक्रो फैरेड का एक कैपेसिटर लगा दिया, और यहां से मैंने वोल्टेज दे दिए सपोज 20 वोल्ट। कितने दे दिए 20 वोल्ट। मैंने पूछा कि भैया करंट बताना है थ्रू फाइव ओम में कितना करंट जाएगा, 5 ओम में कितना करंट जाएगा। तो सुने आप ध्यान से, ये देखना 5 ओम में कितना करंट जाएगा, इसमें कितना करंट जाएगा। तो आप बोलोगे सर 5 ओम में करंट कैसे निकाले, तो कैपेसिटर आ गया, तो कैपेसिटर आ गया, तो कैपेसिटर के केस में याद कर लो, इसे बोलते हैं डीसी। क्या बोलते हैं डीसी, जितने बैटरी वोल्टेज देते हैं वो डीसी होती है, और डीसी की एक आदत है वो कहीं भी कैपेसिटर लगा हो तो उस आर्म से करंट को जाने नहीं देती, क्योंकि ये बेसिकली कैपेसिटर जो है डीसी करंट के लिए इनफिनाइट रेजिस्टेंस बनाता है। इनफिनाइट रेजिस्टेंस क्या करेगा, कैपेसिटर पहले चार्ज हो जाएगा, उसके बाद आगे करंट को जाना रोक देगा, यानी कि इंस्टेंटली जैसे हम वैल्यू देंगे तो ये खुद चार्ज होके नैनो सेकंड के अंदर और ये करंट को रोक देगा पूरे में। तो यानी कि इसमें बोलोगे इंस्टेंटेनियस करंट के बाद मैं इसको मेजर नहीं कर सकता, तो मुझे इसमें करंट नहीं मिलेगा। तो याद कर लो बेटा कि इसमें रेसिस्टेंस मानते हैं क्या, इन्फिनिटी। तो सुने आप, अगर इसमें इन्फिनिटी रेसिस्टेंस है तो बोल सकता हूँ आई जो हो जाएगा वी 20 अपॉन, ये इन्फिनिटी है, ये 5 है इन्फिनिटी में, अगर 5 ओम पैरेलल में जोड़ दूं तो इन्फिनिटी रहेगा, तो करंट आएगा 0। याद कर लो इसको, समझ लो, किसी भी कैपेसिटर की आर्म में अगर कोई भी रेसिस्टर लगा हुआ हो तो भैया उसमें कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि वो करंट 0 देता है, करंट जाता ही नहीं है, ये चोक कर देगा, यानी करंट यहाँ जाएगा ही नहीं, ये ब्लॉक कर देगा, नहीं जानते बस हमारी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें तो कुछ खंजम से हुआ नहीं, तो सारा वोल्ट यहाँ पर आएगा, और यहाँ वोल्टेज क्या होगा, इसके पीडी होगा 20, इसका होगा, ठीक है, ये दोनों है ना बेटा प्लस माइनस, तो इसे मैं मान सकता हूँ 0, तो इसके अक्रॉस पीडी कितना होगा 20 वोल्ट, और ये सी दिया तो क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी इंटू वी, सी कितना है 3 माइक्रोफैरेड 10^-6 फैरेड, और वी कितना ना, वी कितना बेटा, वी 20 लग जाएगा 20, तो आ जाएगा 60 × 10^-6 वॉट एम्पियर, नहीं नहीं सॉरी कूलम, चार्ज है ना, ठीक है, आराम से कॉपी कर लें इसको। मैं और आगे चलता हूँ बेटा, ठीक है, मैं और आगे चलता हूँ, इसे मैं रख कर रहा हूँ बेटा, क्लियर हो गया होगा मैं समझता हूँ। तो ये हमारा एक नई प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि कैपेसिटर में ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा होता क्यों है एक्चुअल में, ये मैं जब ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ाऊंगा एसी करंट, तब मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा ये ऐसा क्यों होता है कि कैपेसिटर डीसी करंट को चोक क्यों कर देता है, ठीक है, एसी को निकलने देता है, एसी करंट निकल जाएगा, डीसी नहीं लग सकता, डीसी के साथ कैपेसिटर नहीं चल सकता डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा जी, चलो मैं फिर बोलता हूँ, एक मैंने ऐसी क्वेश्चन और लिख दिया आपको, आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन ऐसे, 3 ओम का रेसिस्टर, सपोज यहाँ पर अब किसे एक 6 ओम का रेसिस्टर देता हूँ, और एक मैंने यहाँ लगा दिया कैपेसिटर, ठीक है, यहाँ पर मैंने दे दिया वोल्टेज कुछ दे दो 3, 6, 15 15 वोल्ट दे दिया, ठीक है, मैंने 15 वोल्ट का एक यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, क्या दे दिया 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। अब क्या होने वाला देखते जाए आप, बेसिकली करंट जब चलेगा यहाँ से है ना, तो इसके अक्रॉस भी पीडी कितना होगा 15 वोल्ट होगा, पूरे के साथ पैरेलल तो है, तो 15 और ये 3, तो यहां से करंट निकाल सकता हूं, करंट कितना जाएगा आई हो जाएगा वी अपॉन आर, वी कितना वी 15, आर कितना 3, तो कितना आएगा बताइए, यह आ जाएगा 3.5 एम्पियर। इसमें करंट नहीं जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा, क्यों, कैपेसिटर लगा है, अभी बताया था मैंने आपको, यानी कि वोल्टेज जो ये वाले मैंने दिए हैं बेटे, ये वाले, ये सीधे करंट ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, इस वाली आर्म में करंट नहीं चलेगा, बिकॉज मैंने बताया था, बिकॉज द कैपेसिटर हैव द इनफिनिट रेजिस्टेंस
फॉर द डीसी करंट, मैं डीसी करंट की बात कर रहा हूँ, एसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी ऐसी क्यों है मैं आगे बात करूंगा, डिस्कस जरूर करूंगा। आप मेरे सारे चैप्टर जब मैं इसको करंट को हार्डली अभी 8-10 लेक्चर और लूंगा जब मैं खत्म करूंगा ना, उसके बाद आप अपनी बुक्स करना, बहुत नॉलेज हो जाएगी आपको। मैं नहीं समझता हूँ कि आपको प्रॉब्लम्स आएंगी सारे सोल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है। तो आ जाएगा 5 एम्पियर, मैं बहुत इजी लेवल से स्टार्ट किया अभी मैंने न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अभी लेवल बढ़ जाएगा इसका, ठीक है। आई 5 एम्पियर हो गया, क्या हो गया बेटा 5 एम्पियर। तो मैंने बता दिया भैया इसके अंदर 5 एम्पियर करंट है। मान लो वो कहता भाई इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड है, क्या है 2 माइक्रोफेरेड, कितना बेटा 2 माइक्रोफेरेड। तो मैं कहता बताओ इसमें कितना चार्ज स्टोर होगा प्लस माइनस, तो आप बोलो सर क्यू इक्वल टू सी सी, ये 15 वोल्ट इसके अक्रॉस 15 वोल्ट, इसमें तो करंट गया नहीं तो सारे वोल्ट इसमें लग जाएगा 15 वोल्ट, है ना, सारा वोल्ट यहाँ खर्च हो जाएगा, यहाँ जीरो हो गया, ठीक है। तो सी कितना, सी है 2, और वी कितना, वी 15, तो बोले तो 30 माइक्रो कूलम इज द आंसर। क्या था, सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने इसे भी रब कर दिया, मैंने इसे भी रब कर दिया बेटा। अब और देखते हैं आगे। मान लिया मैंने एक क्वेश्चन और लिखा, मैंने और लिखा एक क्वेश्चन, मैं लिखता हूँ, सोचने दो, मैं क्वेश्चन और लिखता हूँ, ठीक है। सही, मान लिया 3 ओम ले लो, कितना 3, बल्कि एक काम करो यहाँ पर ले लो एक कैपेसिटर, ये ले लो बेटा 3 कैपेसिटर ले लो। कैपेसिटर लेने के बाद मैं बोल सकता हूँ कैपेसिटर ले लिया मैंने और एक रेसिस्टर लगा दो इसी के साथ में, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इससे फायदा ये जाएगा करंट यहाँ जाएगा नहीं, 3 माइक्रोफेरेड यहाँ हो जाएगा, 5 ओम यहाँ हो जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ भी एक रेसिस्टर ले लो, चल 6 ओम ले लो, ठीक है, 6 ओम का रेसिस्टर ले लिया। जब यहाँ से निकला एक रेसिस्टर और लगा दिया मैंने, सपोज करो इसे भी मैंने कितना लगा दिया 4 ओम लगा दिया सपोज करो, और यहाँ से मैंने क्या किया एक वोल्टेज दे दिए, क्या दे दिए बेटा वोल्टेज दे दिए, सॉरी वोल्टेज दे दिए बेटा, चार छ, अच्छा 6 ओम है ना बेटा। चलिए मैंने मान लिया बस ठीक 80 वोल्ट ले लिया, पता क्यों लिया मैंने, अरे मैंने सोचा यहाँ तो करंट जाएगा नहीं यार, ये 6 और 4 कितने 10, और ये कितना मैंने लिया जिससे कट जाए 80 वोल्ट, इससे करंट निकल के आ जाएगा मेरा। चलिए तो मैंने बोला बेटा, मैंने बोला कि आपको क्या निकालना है, हमें निकालना है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज जाएगा, ठीक है। या मैं बोल सकता हूँ इसमें क्या पूछ सकते हैं हम कि यहाँ पर इसमें कितना चार्ज स्टोर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, करंट कितना जाएगा और इसमें कितना चार्ज स्टोर होगा। तो देखो कैसे निकालने वाले, सुने आप सुनो, मैं ये बोल सकता हूँ कि 80 वोल्ट ये है, ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। तो सुनो पहले इसका टोटल करंट निकाल ले, करंट कितना जाएगा, करंट होगा बेटा आई जोड़ वी अपॉन बी अपॉन आर, आर कितना हो जाएगा 6 और 4 10, कितना आ गया 8 एम्पियर, कितना आ गया बोलो बेटा 8 एम्पियर आ गया, बहुत बढ़िया बात है, 8 एम्पियर करंट चला, यहाँ से चला 8 एम्पियर, ये इनमें दोनों में गया 8 एम्पियर, और जब यहाँ निकल के आया तब भी 8 एम्पियर आया, कितना आया 8 एम्पियर, तो कितने वोल्टेज खा लेगा 48 वोल्ट भाई इंटू आर। अगर मैं इन दोनों के बीच में पीडी लगा दू, वी देख लू, तो जब V इज इक्वल टू आई आर, आई कितना 8 और आर कितना 4, तो 32 वोल्ट तो ये खा गया, तो ये कितना खाएगा बचा हुआ, ये बचा हुआ खाएगा वोल्टेज, टोटल तो 80 था, 82 में 32 ये खा गया, 80 में 32 तो ये खा गया, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 48 वोल्ट यहाँ बचा, कितना 48 वोल्ट, ठीक है। इसमें करंट कितना 0, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, कैपेसिटर में रोक दिया, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 होंगे, करंट जाएगा नहीं, अच्छा तो ये वोल्टेज इसके साथ काम आएंगे, तो इसमें कितना क्यू होगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी कितना 3 माइक्रो फेरेड,
अभी कितना 48, 8 ये हो जाएगा 24 का 4, 2 कैरी, 4 से 12, 13, 14, 14, ये क्या आ जाएगा बेटा माइक्रो कूलम, ठीक है, 8 8 24, 4 3 2, ठीक है। तो ये मेरा हो गया बेटा क्या, यानी कि आप बोल सकते हो इस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा, तो आप बोलोगे सिंपल सी बात है सर, इसमें तो इतना चार्ज स्टोर हो चुका होगा, तो इस पे एक पॉजिटिव आ जाएगी पॉलिटी, एक नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है ना, बस समझ आ रही है। चलिए आज इतना रहने देते हैं, और अगले क्लास में मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताऊंगा। मैं वेट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाय।